नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड सोसाइटी अब पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। NMML सोसाइटी का नए सिरे से गठन हुआ है जिसमें किसी भी कांग्रेस के नेता को जगह नहीं मिली है। गृहमंत्री अमित शाह को एंट्री मिलने के साथ ही सोसाइटी से कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और कर्ण सिंह को हटा दिया गया है। तो वहीं अब कांग्रेस नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड सोसाइटी अब पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त हो चुकी है, वहीं इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत शुरू हो गई है। NMML सोसाइटी का नए सिरे से गठन हुआ है। इसको लेकर संस्कृति मंत्रालय ने मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर सोसाइटी से कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और करण सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं कांग्रेस के सदस्यों को निकालने के बाद ये मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी सोसाइटी से निकाले जाने के बाद उसके संस्थापक सदस्य और कांग्रेस नेता करण सिंह को बीजेपी की शंका पर शक है। करण सिंह ने कहा है कि जो लोग नेहरू का नाम लेने से भी परहेज करते हैं, आज उन लोगों को सदस्य बना दिया गया। ऐसी इस महत्वपूर्ण जो संस्था है जवाहरलाल जी के नाम पे समर्पित है, उसमें से सब कांग्रेस वालों को या कांग्रेस विचारधारा वालों को अलग किया जाए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और गलत है बात है। क्या कहें, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि क्या उनकी विचारधारा है। और संस्थाओं को बनाने में कई वर्ष लगते हैं, दशक लगते हैं, लेकिन संस्थाओं को बिगाड़ने में बहुत थोड़ा समय लगता है। हम तो ये चाहते हैं कि वो संस्था जो जवाहरलाल जी के नाम पर बनी हुई है वो सुरक्षित रहे। वो विश्वविख्यात हो गई है, अब पिछले 40 वर्ष में 50 वर्ष में उसको न छेड़ा जाए। अगर और उन्होंने नया बनाना हो तो बनाए, बड़ी खुशी। दरअसल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की याद में बनाया गया था। बीजेपी लगातार अलग अलग मसलों को लेकर नेहरू और उनकी विरासत पर न सिर्फ सवाल उठाती रही है बल्कि हावी भी रही है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं। वहीं इस नई गठित सोसाइटी के सदस्यों में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, HRD मंत्री रमेश पोखरियाल, सूचना प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, वी मुरलीधरन और प्रहलाद सिंह पटेल के अलावा ICCR अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रसार भारती अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश शामिल हैं। वहीं सोसाइटी से निकाले जाने के फैसले को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपने लोगों को हर जगह बैठाना चाहती है। हम लोगों को हटाए उसकी चिंता हमको नहीं है, क्योंकि जब मैं वहाँ लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी था तो उस वक्त मैं उसमें शामिल हुआ था, मुझे लिया गया था, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि निकालना बोल के नहीं, रख भी सकते हैं। जो व्यक्ति पहले से ही दिलचस्पी रख के काम करते थे उनको भी निकाला गया। ये अगर ये मैं समझता हूँ ये पार्टी बेसिस पे अगर आप लोग सोचते हैं ऐसा नॉमिनेट करते गए तो कोई अच्छी संस्था अच्छे लोगों से नहीं जुड़ा होता, तो दिस इज वेरी रॉन्ग, उन्होंने अच्छा नहीं किया। कांग्रेस नेताओं की जगह बीजेपी नेता अनिबन गांगुली, गीतकार प्रसून जोशी और पत्रकार रजत शर्मा को जगह मिली है। सोसाइटी का पुनर्गठन करते हुए इसमें राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता सहित अन्य प्रमुख लोगों को भी शामिल किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इन सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होगा। देश में बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी भारतीय जनता पार्टी भले ही देश को कांग्रेस मुक्त ना कर पाई हो, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को उसने कांग्रेस से मुक्त जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।